नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, बात करें तो ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार चर्चा तो होती रहती है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरीके से विवाद सामने आता है उसको लेकर भी लगातार चर्चा की जाती है और इसको लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आती है। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले हफ्ते जिस तरीके से कई लोग लकीर खींचने की बात कर रहे थे, तो वहीं खेसारी लाल यादव पर कई सारे अभिनेता, कई सारे एक्टर, कई सारे सिंगर जो है मानो कि पहाड़ की तरह टूट पड़े और एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करने गए और तमाम बयानबाजों के बाद तमाम ऐसी चीजें आई जिसको लेकर लगातार जो है फैंस भी भड़कते नजर आए और फैंस कुछ इस अंदाज में उनको सबक सिखाते हैं कि शायद वो भी याद रहेगा। खैर, जो भी है वो मामला बीत चुका है तो उस पर बात करना बेहतर नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से एक औकात की बात कही जाती है भोजपुरी इंडस्ट्री में, एक दूसरे को नीचा गिराने की बात कही जाती है, उसी कड़ी में अगर मैं बात करता हूं तो आज भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का एक गाना रिलीज हुआ है, तो वहीं दूसरे साइड जो है एक रितेश पांडे का भी गाना रिलीज हुआ है। जैसा कि आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 12:38 हो रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूं और इस समय खेसारी लाल यादव के गाने पर जो होली के कबूतर गाना है उस पर 4,36,000 व्यूज मिला है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 84,000 जो है इस गाने पर लाइक्स मिला है। ठीक है, तो 84,000 जो है इस गाने पर लाइक मिल चुका है और लगभग इस गाने को रिलीज हुए 5 घंटे हो गए हैं, तो 5 घंटे में 4,36,000 से ज्यादा खेसारी लाल यादव के व्यूज हैं और 84,000 से ज्यादा लाइक्स है। वहीं दूसरे साइड अगर मैं बात करता हूं तो रितेश पांडे का एक गाना रिलीज हुआ है, तो रितेश पांडे के गाने पर 84,000 व्यूज हैं 5 घंटे में रिलीज हुआ है और 84,000 जो है वो व्यूज है और वो सारे का वहां भोजपुरी पर रिलीज किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खेसारी लाल यादव का जितना लाइक है उससे ज्यादा जो है वो रितेश पांडे का व्यूज नहीं पहुंच पाया है। तो ये होता है ट्रेंडिंग स्टार और ये होता है स्टारडम कि इतना बड़ा जलवा जो है खेसारी लाल यादव ने करके दिखा दिया है और जो रितेश पांडे का गाना है लम्हर लटकन वो रिलीज हुआ है। हालांकि मैं सोचा कि आप सभी को एक कंपेयर करके बता दूं कि खेसारी लाल यादव का तांडव जलवा इनके जो फैंस होते हैं वो कितना तबाही मचाता है, इसके जीता जागता उदाहरण इस तरीके से मैंने पेश किया। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा और खेसारी लाल यादव का जलवा है कि नहीं है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।